में स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का। और आपने इतना सारा प्यार दिया मुझे अभी तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, जनरली हमारे पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है कि मुझे इतनी सारी क्वेरीज आती है और इतने सारे फोन कॉल्स आते हैं और सारों की मैक्सिमम लोगों की यही क्वेरीज होती है कि हम स्टॉक मार्केट में नए हैं, हम क्या करें, कैसे ट्रेडिंग करें, हमें कुछ गाइडलाइंस दीजिए। ठीक है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इतना हो गया कि अब हर हर इंसान को फोन पे आंसर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं इसी के ऊपर एक वीडियो बना लेता हूँ ताकि जिन लोगों जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं या जो मेरे साथ नहीं भी जुड़े हुए हैं, जो न्यू कमर्स हैं या जो आने का सोच रहे हैं मार्केट में, उन सभी को ये वीडियो बेनिफिट पहुंचा सके। तो आज मैंने इस टॉपिक का नाम दिया है कि मैं स्टॉक मार्केट में नया हूं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ठीक है, तो पहली चीज देखिए क्या है, मैं स्टॉक मार्केट में नया हूं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो आपको एंटर करने से पहले, अपना पहला कदम स्टॉक मार्केट में रखने से पहले, आपको यह पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों, जितनी भी कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड जो कंपनीज होती है, उनके शेयर्स बाइंग एंड सेलिंग होते हैं। स्टॉक मार्केट क्या करता है, आपको दो तरह के मार्केट देता है, एक बोलते हैं प्राइमरी मार्केट और एक बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जो होता है, प्राइमरी मार्केट बेसिकली उनके लिए होता है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और उन कंपनीज के लिए होता है जो मार्केट से पैसा विड्रॉ करना चाहती है, मार्केट से पैसा बोरो करना चाहती है। ठीक है, तो जो कंपनीज को अपने एक्सपांशन के लिए, अपनी कंपनी की बढ़ोतरी के लिए उनको किसी फंड्स की आवश्यकता होती है, तो दो तरीके होते हैं, या तो कंपनी जाएगी बैंक के पास में लोन लेने के लिए, या कंपनी जाएगी किसी और कॉर्पोरेट के पास में, किसी गवर्नमेंट के पास में, किसी के पास में लोन लेने के लिए। तो बेसिकली कंपनी का ऐसा ऑप्शन होता है कि वो लोन ले। ठीक है, लेकिन कुछ कंपनी लोन लेने के बदले में, लोन लेने के बजाय वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली पब्लिक के पास चले जाते हैं और पब्लिक से जाके कहते हैं आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको हमारी कंपनी का हिस्सेदार बनाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को सबसे पहले, जो जहां तक मेरी नॉलेज है, मुझे जितना ध्यान है, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जो लॉन्च किया था धीरू भाई अंबानी जी ने लॉन्च किया था। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो शेयर्स निकाले थे उसी के बेसिस पे उन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया था कि जिस तरीके से, किस तरीके से आप एक रिटेल इन्वेस्टर का या जो आम जनता है उनके पैसों को यूज करके आप किस तरीके से उनको अपनी कंपनी का हिस्सेदार बना सकते हैं। अगर आप इस प्रोसेस को और भी अच्छे से समझना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक समझना चाहते हैं, तो आप एक हिंदी मूवी है बॉलीवुड की जिसके एक्टर है मिस्टर अभिषेक बच्चन, आप वो मूवी देख सकते हैं, गुरु मूवी का नाम है। उसके अंदर कुछ हद तक छोटी मोटी स्टॉक मार्केट की बारीकियों के बारे में बताया गया, छोटी मोटी चीजें बताई गई है, तो वो आप देखकर उसमें कुछ आइडिया ले सकते हैं। तो पहली चीज है कि प्राइमरी मार्केट होता है आईपीओस के लिए। ठीक है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए होता है आईपीओस, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी आती है, आईपीओ लॉन्च करती है, आपसे पैसे लेती है और आपको अपनी कंपनी का हिस्सेदार बनाती है। ठीक है, वो तो हमारा पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हो गया कि लोगों ने उसको ट्रेडिंग करने का एक जरिया बना दिया। और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो होता है कि जब लोगों का इन्वेस्ट, लोग कंपनी ने अपने शेयर्स लॉन्च कर दिए, उसके बाद में अगर कंपनी को उस शेयर्स को बेचना है, या जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको बेचना है, उनको अपना वापस पैसा वापस लेना है, या किसी नए इन्वेस्टर को अंदर आना है, तो उसके लिए सेकेंडरी मार्केट बनाया गया है। और मोस्टली 99.99% ऑफ द स्टॉक मार्केट जो होता है वो सेकेंडरी मार्केट के ऊपर बेस्ड होता है। इसीलिए आप देखेंगे कौन सी रोज हर स्क्रिप्ट की प्राइस ऊपर चढ़ रही होती है, नीचे गिर रही होती है, कोई बाइंग कर रहा होता है, कोई सेलिंग कर रहा होता है, इसको बेसिकली बोलते हैं ट्रेडिंग या सेकेंडरी मार्केट। ये स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर लोग जीरो से हीरो बन जाते हैं और हीरो से जीरो बन जाते हैं। ये आपको रोड से बंगले तक पहुंचा सकता है और बंगले से रोड तक पहुंचा सकता है। तो आपको अपना रिस्क और रिवॉर्ड पता होना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आप अपने सारे सपने साकार कर सकते हैं और आपने अभी तक जो भी किया है उसको आप गवा भी सकते हैं। अब स्टॉक मार्केट में अगर आपको कदम रखना है, आगे बढ़ना है, तो आप स्टॉक मार्केट को एक बिजनेस की तरह लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस में काम कैसे करते हैं।
आप स्टॉक मार्केट को सिर्फ बाइंग और सेलिंग और सट्टे के रूप में मत देखिए कि आपको यहाँ पे आकर सट्टा करना है या खाली बाइंग करनी है और सेलिंग करनी है, या आपके रिश्तेदार ने, आपके फ्रेंड ने, आपके कंपनी के बॉस ने या किसी ने फलाना ढिमका आदमी ने बोल दिया कि ये कंपनी के शेयर वहां तक पहुंचने वाले, 6 महीने बाद वो कंपनी वहां पहुंच जाएगी। तो उस तरीके से शेयर मार्केट में अगर आप करेंगे काम तो 1 दिन कमाएंगे, 2 दिन गवाएंगे, तो अल्टीमेटली कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए आप स्टॉक मार्केट को एक बिजनेस की तरह लीजिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप इस मार्केट में एंटर करते हैं, स्टॉक मार्केट में जब आप पहला कदम रखते हैं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप किसी अच्छे ब्रोकर के पास में जाए जो आपको अच्छी फैसिलिटी दे, जो आपसे कम से कम पैसा, कम से कम कमीशन ले और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट दे, मैक्सिमम से मैक्सिमम सर्विसेज दे। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं मार्केट में जिनके पास आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और सालों से ब्रोकर्स चल रहे हैं। ब्रोकर्स में भी 2 या 3 टाइप के ब्रोकर्स होते हैं, कुछ होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स, कुछ होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स और कुछ होते हैं सिर्फ ऑनलाइन ब्रोकर्स। तो ऐसे काफी सारे ब्रोकर्स हैं, लेकिन आज की तारीख में जो आज का ट्रेंड है, जिस जनरेशन में हम जी रहे हैं, हमारे मोदी जी के राज में हम जब जी रहे हैं, डिजिटल इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो वो जमाना चला गया जहां आप फोन करके ट्रेडिंग किया करते थे। तो आज की तारीख में आपको कोई फुल सर्विस ब्रोकर की जरूरत नहीं है। आप अननेसेसरी ज्यादा ब्रोकरेज पे करके अपना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाना चाहिए। इसके लिए आज के समय की रिक्वायरमेंट है, आज के ट्रेंड की ये रिक्वायरमेंट है कि आप डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़े, डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़े, ऑनलाइन वर्ल्ड की तरफ बढ़े। और आज की रिक्वायरमेंट ये बोलती है कि आपको एक अच्छा ब्रोकर जो है वो डिस्काउंट ब्रोकर आपको आपकी वो रिक्वायरमेंट कुछ हद तक पूरी करने में मदद कर सकता है। तो मैं जनरली सजेस्ट लोगों को यही करता हूँ कि या तो आप जीरोधा है जो काफी अच्छा डिस्काउंट ब्रोकर है, जिनके काफी अच्छे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आप उसके अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएगी किस तरीके से आप Zerodha के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दूसरा बहुत ही अच्छा डिस्काउंट ब्रोकर है, वो है Upstox। Upstox रिसेंटली आया हुआ ब्रोकर है, लेकिन बहुत ही अच्छे उसके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छी सर्विसेज वो देता है और बहुत अच्छे उसके प्रोसेस है, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस उसका काफी फास्ट है। तो ये 2 ब्रोकर मेरे नजर में है। अगर कोई मुझसे सलाह पूछता है फोन करके, तो मैं जनरली 2 ब्रोकर्स का ही सजेस्ट करता हूँ। तो अगर आपको भी आगे बढ़ना है शेयर मार्केट में, तो इन 2 ब्रोकर्स या तो Zerodha या Upstox, दोनों में से किसी में भी आप अकाउंट प्रोसेस करवा सकते हैं। दोनों की डिटेल्स, उसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको मेरे YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नजर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप ट्रेडिंग वर्ल्ड में घुस रहे हैं, आप जब आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके औजार क्या है, आपके पास में जो हथियार है। अगर आप हमारे जवान, हमारे फौज जब मैदान में जाती है बॉर्डर पे लड़ने के लिए, तो इम्पोर्टेंट यह होता है कि उनके पास में क्या टूल्स है, क्या औजार है, क्या हथियार है सामने वाले दुश्मन से लड़ने के लिए। तो ट्रेडिंग में भी, स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप ट्रेडिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपके पास में कौन से हथियार है, कौन से टूल्स है जिसके बेसिस पर आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे ब्रोकर्स चूजिए, ऐसे ट्रेडिंग टर्मिनल चूज करिए जिसमें आपको अच्छे इंडिकेटर मिल सके, जिसमें आप अच्छी एनालिसिस कर सके, जो आपको अच्छे डेटा इंटरप्रिटेशन करने में मदद कर सके। Zerodha एंड Upstox, ये दोनों ही आपको इस चीज में मदद करते हैं। इन दोनों के जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है बहुत ही बेहतरीन है, और Upstox तो एक स्टेप और आगे जाकर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन करने में भी मदद करता है। जैसे ऑप्शंस के जो डेटा होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, टीटा वगैरह जो है, रा वगैरह, ये सारी चीजों को एनालिसिस करने में, ऑप्शन चेन एनालिसिस करने में भी Upstox के ट्रेडिंग टर्मिनल आपको मदद करते हैं। उसके अलावा दोनों के ही चार्ट्स काफी एडवांस लेवल के हैं, तो ये दोनों चीज आपको मदद करते। तो हमेशा आपको अगर ट्रेडिंग में घुसना है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप जो ट्रेडिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग तो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद में वो बोलते हैं कि हम बाय कैसे करें, सेल कैसे करें, और वो एक साथ 10,000, 20,000, 50,000 रुपए लगा देते हैं। अब उनको पता ही नहीं कि बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, ऑर्डर कैसे लगाना है। तो सबसे पहले आप जो भी ब्रोकर से काम कर रहे हैं, चाहे वो Zerodha हो, Upstox हो, या कोई भी XYZ ब्रोकर हो, अगर आपको कहीं पे भी काम करना है, तो सबसे पहले उस सिस्टम को समझिए कि उसको यूज कैसे करना है, उसके बाद में आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, आगे ट्रेडिंग करिए। नेक्स्ट, जब आप, जैसे ही आप अकाउंट ओपन करवाएंगे, जैसे ही आप किसी भी ब्रोकर के पास में अकाउंट ओपन करवाने जाएंगे या रजिस्ट्रेशन करेंगे या उनको कुछ डिटेल्स देंगे, 4 दिन में आपको 10 फोन आ जाएंगे कि हम फलाना टीम का सर्विस देते हैं, ये टीम देते हैं, 10,000 के 20,000 बना देंगे, 20,000 के 50,000 बना देंगे, 5 लाख के 50 लाख बना देंगे, 1 या 10 लाख के 1 करोड़ बना देंगे।
इनको बोलते हैं टिप्स प्रोवाइडर या एडवाइजरी कंपनीज। इसमें से कुछ सेबी रजिस्टर्ड होती है, कुछ अनसेबी रजिस्टर्ड भी होती है। मेरे हिसाब से तो किसी के पास भी आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जितने फोन कॉल्स लोग जो मुझे करते हैं या जो मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पे बताते हैं, सारों का यही रोना है कि हमने 10,000 20,000 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया हमने टिप्स प्रोवाइडरों की वजह से गवा दिया है। तो अगेन ये आपकी मर्जी है आपको कैसे करना है, लेकिन हो सके वहां तक अपने आप को इन सब चीजों से दूर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने बताया सेल्फ इंडिपेंडेंस, तो आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। सौरभ गांधी पे भी आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। मेरा काम है एजुकेट करना, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अपने अंदर लेते हैं या आप टोटली डिपेंड हो जाते हैं कि हमको सौरभ गांधी कोई एग्जैक्ट ये बता देगा कि किस तरीके से आपको यही बाय कर लीजिए तो ये चल जाएगा। देखिए मैं भी कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन हमको सेल्फ सफिशिएंट बनना है, हमको हमारे पे हमारी एनालिसिस इतनी अच्छी करनी है ताकि हमको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। तो वो चीज आप देखिए आप किस तरीके से सीख सकते हैं, इसलिए सीखते रहिए। मैं आज भी नई नई चीजें सीखता हूँ, आज भी आप देखेंगे मैं हर सप्ताह कोई ना कोई नई नई स्ट्रेटेजी शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि उन स्ट्रेटेजी को मैं पिछले महीने दो महीने चार महीने छह महीने से टेस्ट कर रहा होता हूँ, और हर बार मैं आज भी नई नई स्ट्रेटेजी बनाता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो नई स्ट्रेटेजी बनाने से और ज्यादा सीखने को मिलता है और समझ में आता है, अपनी एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ती है। आप हमेशा सीखते रहिए, आपका सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए। इस शेयर बाजार में कोई भी इजी मनी नहीं है, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है पैसा कमाने का, मेहनत ही एकमात्र जरिया है एंड स्मार्ट वर्क। आप स्मार्टली ट्रेड कीजिए। एक होते हैं कि कुछ ट्रेड करते हैं और ब्रोकर को ही अपना सारा प्रॉफिट दे देते हैं, तो पहला स्टेप आपका यह होता है कि आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर और किसी अच्छे ब्रोकर के पास में जाइए जो आपसे कमीशन कम ले। वो एक फर्स्ट स्मार्ट स्टेप होता है एक अच्छी ट्रेडिंग करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, देखो साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है ट्रेडिंग का के अंदर। ट्रेडिंग की नहीं, आप किसी भी एक्टिविटी में, अगर आप ऑफिस भी जा रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, काम धंधे भी कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है वो हमेशा मेहनत करता है। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए। सुबह उठते ही लोग जनरली क्या करता है, आज कल मेरा नुकसान, आज मेरा नुकसान हो जाएगा, अरे मेरे को आज मैंने कल शेयर खरीदा तो आज शेयर नीचे ही चला जाएगा। आप पहले से ही नेगेटिव सोच रहे हैं, आप पहले से ही नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होना है आपके साथ। इसलिए सुबह उठते ही आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए और ये सोचिए कि आज मैं 2,000 रुपए कमाने वाला हूँ, आज मैं 5,000 रुपए कमाने वाला हूँ। एक सिंपल सा मंत्र है, आप इस चाहे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थियरी को अगर आप मानते हैं या नहीं मानते मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक वीडियो है यूट्यूब पे जो कि एक अच्छी मूवी है, आप चाहे इंग्लिश में भी देख सकते हैं हिंदी में भी देख सकते हैं। उसमें यह कहा गया है, मतलब उसके अगर आप उस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं तो आप जिस चीज को जितनी बार रिपीट करते हैं वो चीज आपके साथ में हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपको अपना दिन अच्छा निकालना है स्टॉक मार्केट में, तो आप सुबह उठते ही सबसे पहली चीज ये कहिए कि आज मैं 5,000 रुपए कमाऊंगा, आज 5,000 रुपए कमाऊंगा, आज 5,000 रुपए कमाऊंगा, आज 5,000 रुपए कमाऊंगा, आज 5,000 रुपए कमाऊंगा। ठीक है, आप 5,000 नहीं तो 4,000 तो कमा ही लेंगे। द थिंग इज वो आपको पूरी लगन से अंदर दिल से आवाज आनी चाहिए कि आज मैं कमाऊंगा। हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे तो आपका वो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स, आपके विचार उसी तरीके से चलते हैं, फिर आपको हमेशा गलत तरीके ही नजर आएगा। आप ये चीज पे ध्यान दीजिए कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप मार्केट में शुरुआत करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉक मार्केट को आप एक गैम्बलिंग की तरह ना लें। बहुत से लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में, मैं तो नया हूं, अभी अभी मैंने एंटर किया है मार्केट में, मुझे क्या करना चाहिए, उसके फलाना टाइम पे एक्स वाई जेड फ्रेंड ने क्या किया है, उसने उसका स्क्रीनशॉट दिखा दिया कॉन्ट्रैक्ट नोट कि भाई मैंने कल के दिन में कुछ एक्सपायरी वाला दिन चल रहा था, मैंने 1,00,000 रुपए कमा लिए और मैंने सिर्फ 10,000 रुपए लगाए थे। तो इस तरीके से लोग आपको मोटिवेट करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, इस तरीके से टिप्स प्रोवाइडर आपको मोटिवेट करेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन आप उसके पीछे की चीजों को समझिए, वो क्या यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जिससे वो 10,000 से 1,00,000 रुपए बना रहे हैं एक ही दिन के अंदर। ये बेसिकली होता है ऑप्शंस के अंदर। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले दिन ही ऑप्शंस में मत घुस जाना, आपकी जो कमाई आप लेके आएंगे वो पहले दिन गायब हो जाएगी। ऑप्शंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और उसको समझने के लिए काफी सारे कैलकुलेशंस और काफी सारी एनालिसिस लगती है। आप डेफिनेटली ऑप्शंस को अपना टारगेट बनाइए कि मुझे ऑप्शंस सीखना है, लेकिन आप पहले ही दिन, क्योंकि आपने एक्स वाई जेड जो फलाना दिन का आपके बाजू वाला है, पड़ोसी है, फ्रेंड है,
उसने कल के दिन में 10,000 से 1,00,000 रुपए कमा लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आज अपना नौ आप अपनी काम धंधा नौकरी वगैरह छोड़ के आज ही आप ऑप्शन में काम करना शुरू कर देंगे, तो वैसा मत करिए, स्टेप बाय स्टेप कदम रखिए। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो नौकरी करता है, तब तक वो अलग अलग फेजेस से जाता है, पहले नर्सरी में जाता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा, टेंथ में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, फिर कोई ग्रेजुएशन करेगा, फिर इंटरव्यू देगा और फिर नौकरी करेगा। तो आप समझ रहे, कम से कम आप 18 से 20 साल आप पढ़ाई करने में निकालते हैं, तब जाकर आप 21 या 22 साल में नौकरी करने के काबिल बनते हैं। ये एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो भाई थोड़ा उसको सीख तो लीजिए, उस पर थोड़ा समय तो लगाइए, कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट के चक्कर में जाओगे तो गड्ढे में गिरोगे सीधा। तो इसीलिए धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप रखिए, इसको कोई जुआ घर मत समझिए, इसको कोई गैम्बलिंग का अड्डा मत समझिए, ये प्रॉपर एनालिसिस के साथ जो काम करते हैं, प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ जो काम करते हैं, वही इस मार्केट में टिक पाते हैं। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे ही आप आप नए हैं तो आप जैसे ही मार्केट में एंटर करेंगे और आपकी क्या डिटेल्स है जो आपके ब्रोकर्स कहीं पे भी कहीं ना कहीं से इनको मिल जाती है, या आपके पास में कहीं ना कहीं किसी डेटाबेस में आपकी डिटेल्स रजिस्टर होती है, तो ये टिप्स प्रोवाइडर वाले जितने भी होते हैं इनको इन्फॉर्मेशन आ जाती है। वो क्या करते हैं, फिर उनका एक बहुत बड़ा कार्टेल, बहुत बड़ा नेटवर्क चलता है जिसको ऑपरेटर्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, इनकी ये अनाप शनाप पैसा लेके बैठे होते हैं, लाखों करोड़ों में लेके बैठे होते हैं पैसा, और इनको लाखों करोड़ों से वापस और लाखों करोड़ों बनाने में समय नहीं लगता। लेकिन वो कैसे बनाते हैं, वो फिर आपके बीच में न्यूज सर्कुलेट करते हैं, ये फलाना टीम का शेयर अभी चलने वाला है, आज 10 रुपए का भाव है, एक साल में 50 या 500 रुपया होने वाला है, एक्स वाई जेड कंपनी का शेयर है, आपको एसएमएस आएगा, बीएससी कोड फलाना टीम का, एनएससी कोड फलाना टीम का, इसको बाय कर लो, अभी 12 रुपए का भाव है, एक साल के अंदर 500 रुपया 2,000 का भाव हो जाएगा। नो डाउट आपको 10 SMS आएंगे, हो सकता है एक वो चल भी जाए, लेकिन 99% वो सारे के सारे आपका पैसा ब्लॉक करवाते हैं, और अल्टीमेटली ऐसा सिचुएशन आता है कि आप उसमें बाय तो कर लेते हैं लेकिन आप उसको सेल कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जब सेल करने जाते हैं तो कोई बायर होता ही नहीं है, तो अल्टीमेटली आपने वो पैसा जो है अपना गड्ढे में डाल दिया। तो ऐसे जेड कैटेगरी वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनसे आप दूर रहिए, ऑलवेज फोकस ऑन निफ्टी 50 या FNO की जो स्क्रिप्ट होती है, FNO की जो स्क्रिप्ट होती है करीब 200-225 कुछ स्क्रिप्ट है FNO में, आप उनमें काम करिए, वो काफी सेफ है, या फिर मिड कैप में काम करिए या निफ्टी 50 में काम करिए। ये कुछ सिलेक्टेड चीजें हैं जो एक्सचेंज ने, एनएससी ने डिसाइड करके रखी है, तो आप उनमें काम कीजिए, उसमें मैनिपुलेशन होता है ऐसा नहीं होता, लेकिन उसमें बहुत कम होता है, तो उसके अंदर आपके बेवकूफ बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरा है वो ये कि आपको डिसिप्लिन के साथ में काम करना है, स्टॉक मार्केट में आपको डिसिप्लिन तरीके से काम करना है, अपने इमोशंस को भूल जाइए, इमोशंस जहां आते हैं वहां आप गड़बड़ी कर देंगे, तो ये मत सोचिए कि मैंने शेयर खरीदा है और यार 10 रुपए ऊपर आ गया, नीचे आ गया, तो एक स्टॉप लॉस रखिए या अपनी एक मैक्सिमम लिमिट रखिए कि यहां तक मुझे लॉस बेयर करना है, या चार्ट पढ़ना सीखिए जिससे कि आपको पता चले कि ये लेवल के नीचे जाएगा, मतलब ये स्टॉक अब जो है बैरिश हो रहा है या नेगेटिव ट्रेंड में जा रहा है या लॉस की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं है, लोग जनरली क्या करते हैं, इमोशंस में आ जाते हैं, अरे मेरी तो मेहनत ही कमाई है, मैंने किसी का भला बुरा नहीं किया, मेरा बुरा कैसे हो सकता है, मैंने सबका अच्छा किया है, वो फिर मंदिर जाने लग जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करने लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, यहाँ ये सब चीजें नहीं चलेगी आपकी, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आपको अपने इमोशंस को उठाकर साइड में के टेबल पे रखना पड़ेगा और फिर आप अपने कंप्यूटर से ट्रेडिंग कीजिए। आपको अगर सिग्नल मिल रहा है कि बाय करना है तो बाय करिए, आपको सिग्नल मिल रहा है कि भाई तुम फेल हो चुके हो अब यहाँ से लॉस बुक कर लो, तो मतलब लॉस बुक कर लो, फिर किसी और उम्मीद में मत रहिए, कोई कोई अलग से कुछ जादू हो जाएगा, कुछ नया मंत्र आ जाएगा, आप अचानक से आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ये सब नहीं होता है। तो जनरली ये सब गलतियां हम करते हैं, और जैसे मैंने कहा कि अगर आप न्यू कमर है तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इनसे दूर रहिए, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए, पहले छोटी क्वांटिटी से शुरू करिए। आज आप सपोज आपका पहला दिन है स्टॉक मार्केट में, आप बिल्कुल भी नए, आप बिल्कुल नए, आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अकाउंट में 5,000 रुपए डालिए, 50,000 या 50 लाख मत डालिए, 5,000 रुपए डालिए, 10,000 रुपए डालिए, कुछ चीजें आपको सीखनी है, किसी ने एक स्ट्रेटेजी बता दी कि इससे पैसा बनता है, या कोई मैंने ही कोई स्ट्रेटेजी बता दी कि आप ये वाली चीज यूज कर लो इससे पैसा बन जाएगा, तो किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, थोड़ी अपना कॉमन सेंस लगाइए, अपना इंटेलिजेंस लगाइए, उस चीज को अगर आपको टेस्ट करना है तो या तो पेपर पे टेस्ट कीजिए, चार्ट्स पे टेस्ट कीजिए,
या फिर अगर आपको लाइव मार्केट में ही करना है तो एक दो क्वांटिटी से करिए, ना कि एक साथ 100 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, डायरेक्ट फ्यूचर का अलॉट लेके आपको तो आज का ही करोड़पति बनना है, तो वो मत करिए, क्योंकि यार रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता। हाँ, लेकिन रातों रात लोग करोड़पति जरूर बन जाते हैं। तो इसीलिए आप समय के साथ में धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाइए। आप फर्स्ट फ्लोर से 20th फ्लोर पे डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, आपको बीच के सारे फ्लोर पे घूम घूम के ही जाना है। तो डिसिप्लिन रखिए और साथ ही साथ स्मॉल क्वांटिटी से शुरू कीजिए, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको और भी डिटेल्स दिखाई देगी, अगर आप न्यू कमर है तो, अगर आपको जीरोधा या अपस्टॉक्स में अगर अकाउंट ओपन करना है तो नीचे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, उसके थ्रू आप प्रोसेस कर सकते हैं। बाकी अगर आप और भी कोई ब्रोकर के पास में जा रहे हैं तो आप उनसे समझिए, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं लगने वाले, कितना ब्रोकरेज लगेगा, कितना कमीशन लगेगा, ये चीज आप पहले से इस चीज समझिए, वो एडिशनल सर्विसेज क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं जिससे आपको उनके पास में अकाउंट ओपन करना चाहिए, ये सारी चीजों को आप समझिए, उसके पास में किसी ब्रोकर के पास में अकाउंट ओपन करवाइए, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, आपने आखिर तक इस वीडियो को सुना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपके और भी कोई दोस्त है जो नए नए हैं, न्यू कमर्स है मार्केट में, अगर आपको लगता है उनके साथ में ये चीजें शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज आप ये वीडियो उनके साथ में शेयर कर सकते हैं और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको और भी ज्यादा मेरे इसी तरीके के वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।